अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 6 डे 1 हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 7 पे मौजूद है। हमारे पास एक्सरसाइज 1C में ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। वेन डायग्राम होती क्या है, इसको समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमारे पास बेटा जो वेन डायग्राम होती है, अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बेसिकली व्हाट इज वेन डायग्राम? अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी सेट को अगर हम तस्वीर के तहत किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसको जाहिर करेंगे, उसको शो करेंगे, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। किसी भी सेट को हम वेन डायग्राम के जरिए, किसी भी सेट को अगर हम तस्वीर की शक्ल में किसी डायग्राम के थ्रू पिक्टोरियल, इसका मतलब एक और नाम पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में शो करेंगे, तो हम उसको वेन डायग्राम कहते हैं। बेसिकली वेन डायग्राम का नाम आया कहाँ से? तो द वेन डायग्राम इज नेम्ड आफ्टर जॉन वेन हु क्रिएटेड द वेन डायग्राम इन 1880। सबसे पहले जॉन वेन ने ये वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन दिया था, सबसे पहले इन्होंने बनाई थी 1880 में। इट इज़ अ डायग्राम फॉर सेट्स। ये बेसिकली डायग्राम स्पेशली सेट्स के लिए है, जिसमें हम ऑल पॉसिबल रिलेशन बताते हैं नंबर ऑफ सेट्स के दरमियान जो हमारे कलेक्शन में मौजूद होते हैं, जो हमारे पूरे कलेक्शन ऑफ सेट में मौजूद होते हैं। वेन डायग्राम को बनाने का क्या तरीका है? हम उसको फॉर्म ऑफ सर्कल में बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी समझाऊंगी सवालात में, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखें कि वेन डायग्राम को हम एक सर्कल के अंदर फॉर्म के जरिए हम बनाते हैं। इट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेशल ग्रुप को, जिस पे हमारे पास बेसिकली वेन डायग्राम किसी स्पेशल ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करती है। स्पेसिफिक क्वालिटी रखता है, क्या करता है मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगी। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू बी आउटसाइड द सर्कल, क्या है ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर बताऊंगी। फॉर सपोज हमारे पास वेन डायग्राम बनानी है हमें फॉर अ सेट ऑफ बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स की हमने सेट ऑफ बर्ड्स की बनानी वेन डायग्राम जो उड़ नहीं सकते। All other birds not included in the set lie outside it. वो birds की वेन डायग्राम हमें शो करनी है जो उड़ नहीं सकते, तो हम उसे सर्कल के अंदर बनाएंगे, उसे हम सर्कल के अंदर शो करेंगे। जैसे ईमू, ऑस्ट्रिच और कीवी हमारे पास वो birds के नेम है जो हमारे पास उड़ नहीं सकती, तो हमने क्या लिख दिया? उसको सर्कल के अंदर लिख दिया, birds that can't fly। और वो सारी birds, जितनी भी हमारे पास सारी birds बाकी रह गई, all birds हमने इस rectangular area में लिख दी है। अच्छा, इसमें रेक्टेंगुलर एरिया के लिए थोड़ा सा समझ जाए बेटा आप बात, कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ बर्ड्स विद इन एंड आउटसाइड दी, बेसिकली सारी बर्ड्स ही हैं, बेसिकली बेटा सारी बर्ड्स ही हैं। तो जो चीज हर एक चीज को शो करे, हर वो एलिमेंट को शो करे, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये पूरा जितना भी रेक्टेंगल में नाम लिखे हुए और जो सर्कल के अंदर नाम लिखे, वो सारे बर्ड्स हैं। तो हमें ये सारा पूरा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, जिसमें सारी बर्ड्स आ रही हैं, लाइक पीजन, क्रो, ईमू, स्ट्रेच, कीवी, ईगल, सीगल, स्पैरो, ये सारी बर्ड्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। लेकिन जो हमारा सेट है जिसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक क्वालिटी, जिसमें हमें काम करना है, स्पेसिफिक क्वालिटी यानी इसमें हमें स्पेशल ग्रुप बताना है उसका, वो बर्ड्स कौन सी जो नहीं उड़ सकते, हम उसे सर्कल के अंदर शो करेंगे। ठीक है बेटा, एक और हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है बेटा। हमारे पास एक सेट है सी, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं, मुल्तान, पिशावर, कराची, इस्लामाबाद, मियांवाली, मिंगोरा, ये सारे हमारे पास शहरों के नाम लिखे हुए हैं। अब इन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, क्या क्वालिटी बताई है सेट के अंदर, क्या ग्रुपिंग की है? ऐसे सेट की वेन डायग्राम बनानी है, अ सेट ऑफ द सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ऐसे शहरों पाकिस्तान के ऐसे शहरों की सेट की वेन डायग्राम बनानी है जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके पास जो पूरा सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर हर वो शहर मौजूद है जो पाकिस्तान में आता है। लेकिन स्पेसिफिक क्वालिटी बताने का मकसद ये है, उस सर्कल के अंदर वो नाम लिखने हैं आपने बेटा जो के से स्टार्ट होते हैं, बाकी जितने भी नाम रह जाए वो इस बॉक्स के अंदर यानी इस रेक्टेंगल के अंदर आपने शो कर देने हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आप देख लें, ऐसे शहरों के नाम लिखने जो M से स्टार्ट होते हैं, वो आपने सर्कल के अंदर लिख दिए बेटा, और जो बाकी रह जाए वो हमने कहां लिख देने, रेक्टेंगल के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम। मैं दोबारा कह दूं बेटा, जिसको आपने स्पेशल कैटेगरी में आपने शो करना है, वो सर्कल के अंदर बने नाम लिखे जाएंगे, और बाकी जो रह जाएंगे वो रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाएंगे। और ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरी वेन डायग्राम, इस सेट का नाम होता है यूनिवर्सल सेट, U फॉर यूनिवर्सल सेट।
यहाँ पर आपको बताया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली सारे शहर पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्वालिटी वो है जो केसेस स्टार्ट हो रही है, और ये पूरा जो हमारे पास सेट के अंदर नेम्स है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1C के हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। हमारे पास ये पूरा सेट है, इसमें 5 लड़कों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 लड़कियों के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जी बेटा, हमारे पास ये सेट मौजूद है, मैंने आपसे कहा हमने कैसे बनानी, सबसे पहले तो आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 5 लड़कों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। जी बेटा, मैंने आपसे जो है नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, तो मैंने कुछ 5 लड़कों के नाम लिखे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ए से स्टार्ट होने चाहिए। और मैंने 5 लड़कियों के नाम लिख दिए जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगी, इसकी वेन डायग्राम 2 बनेगी, आप चाहो तो बराबर बना बल्कि बराबर बराबर बना लो ताकि ठीक लगे, आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक वेन डायग्राम में आपने सर्कल में वो नाम लिखने हैं, क्योंकि आपसे बोला गया था नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, आपने सर्कल में 5 लड़कों के नाम लिखने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक अली, अहमद, अब्दुल्ला, अजहर, आरिफ, आपने सर्कल में लिखने, कोशिश कीजिएगा छोटी राइटिंग में लिखें ताकि प्रॉपर तरीके से अच्छा सा छोटा सा काम आपका जो है एक ही इस तरीके से काम हो जाए। और बाकी आपके पास जितने नाम रह जाए लड़कियों के वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, लाइक सना, सोबिया, सानिया, सदफ, सबीता। दोबारा कह रही हूँ, पहले बॉक्स में आपने ये काम करना है, सर्कल में उन लड़कों के नाम लिखने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, और बाकी लड़कियों के नाम आपने बाहर लिख देने हैं। और दूसरे वाले जगह पर आपने ये करना है, सर्कल में आपने वो नाम लिखने हैं जो लड़कियों के नाम एस से स्टार्ट हो रहे थे, जैसे सना, सोबिया, सानिया, सदफ एंड सो ऑन। और इसी के साथ साथ जो बाकी रह जाए सेट के अंदर, जो बाकी रह जाए लड़कों के नाम, आपने वो बाहर लिख देने, अली, अहमद, ठीक है बेटा। जैसे आपको एग्जांपल में बुक वालों ने भी आपको काम करने का तरीका बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसको ऐसे शो करना है, ठीक है बेटा। जी बेटा, सेकंड पार्ट आपके पास है, स्टूडेंट्स इन क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड हु लिव्स इन हाउसेस। जाहिर है आप लोग मिल नहीं रहे, आप लोग क्लासेस, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, इसलिए मैंने कैंसिल करवा दिया ये। और सेकंड पार्ट में आपने ये लिख लेना है, बर्ड्स दैट कैन फ्लाई एंड बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। आपने पहले इसका सेट बनाना है, कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूंगी, फिर वेन डायग्राम बनानी है आपने। थर्ड पार्ट में आपको समझा देती हूँ, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। आपने पहले एक सेट बनाना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझा दूंगी, बता दूंगी कौन सा सेट बनाना है आप लोग। फोर्थ वाले में 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। फिफ्थ वाला पार्ट है 5 सिटीज इन सिंध एंड 5 सिटीज इन पंजाब। बेटा मेरे पास, मैंने आपसे कहा था इसमें एक और चीज ऐड कर ले बेटा, यहाँ पर एक आपने एक लाइन छोड़नी है, मैंने अभी छोड़ी नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आपने इस बॉक्स के ऊपर लिखना है नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, क्योंकि आपके पास वो सब लिखा हुआ है वर्डिंग्स, नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, ताकि और स्पेसिफाई हो जाए कि ये वेन डायग्राम उन लड़कों की जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, और ये डायग्राम उन वेन डायग्राम उन लड़कियों के लिए जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जितने भी नाम रह जाए वो आपने बाहर बॉक्स में शो करने हैं, यहाँ पर भी मैंने थोड़े से शो किए हैं, आपने सारे शो करने हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, मैं सिर्फ आपको सेट्स बनाकर दे रही हूँ, आपने खुद वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है। हमारे पास जो सवाल था वो क्या था, बर्ड्स दैट कैन फ्लाई एंड बर्ड्स दैट कांट फ्लाई। मैंने वैसे तो बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत किस्म की है, आपने देख, मैंने यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नाम लिखे हैं, चाहे तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। मैंने क्रो, ईगल, पिजन जो उड़ सकती है, किवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन जो उड़ नहीं सकती, तो आपने इसी तरीके से दो बॉक्सेस बनाने हैं। एक सर्कल में आपने उन बर्ड्स का नाम लिखना है जो उड़ सकती हैं, बाकी सारी बर्ड्स आप बाहर रह जाएंगी। इसी तरीके से दूसरे सर्कल में आपने उन बर्ड्स का नाम लिखना है जो उड़ नहीं सकती, बाकी बर्ड्स आपने बाहर लिख देनी है। और इसी तरीके से आपने ऊपर लिख देना है बर्ड्स डेट कैन फ्लाई, बर्ड्स डेट कांट फ्लाई, समझ रहे हैं बेटा। उसी के साथ साथ हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में हमारे पास सवाल क्या था, एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स एनिमल्स डेट कांट ईट प्लांट। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपने वही करना है बेटा, बना लेंगे ना बेटा। इसी के साथ साथ फोर्थ पार्ट है, फोर फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड आपका सवाल बेटा 4 पाकिस्तानी और 4 ब्रिटिश फेमस पीपल था, मैंने 3 आपकी मिसाल 3 एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं, आपने एक खुद लिखना है, ये नहीं कि आप इसी का सेट बनाकर आ जाए वेन डायग्राम का।
बेटा मैंने 3 ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, आपने खुद लिखना है ठीक है, याद रखिएगा 4 होने चाहिए। और मैंने कुछ, आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर अब्दुल सत्तारीदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वसीम अकरम, डियाना, चार्लिस डावर, न्यूटन, ये तीनों मैंने ब्रिटिश नेम लिखे हैं और ये मैंने तीनों पाकिस्तानी। तो आपने वेन डायग्राम ऐसी ही बनानी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। पहले तो आपने वेन डायग्राम उन पाकिस्तानी पीपल्स की बनानी, सर्कल के अंदर पाकिस्तानी 4 लोगों के नाम लिख देंगे फेमस, और दूसरे वाले सर्कल में आपने 4 ब्रिटिश पीपल्स के नाम लिख रहे हैं, बाकी जो रह जाए वो आपने रेक्टेंगल में शो करना है। इसी तरीके से ऊपर आपने मेंशन भी करना है ठीक है। फिफ्थ वाला है, आपने क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आपने लाजमी लिखना है, उसके बाद आपने सेट बनाना, फिर वेन डायग्राम बनेगी ठीक है। बेटा पांच वाला जो है वो 5 सिटीज इन सीन एंड 5 सिटीज पंजाब का सेट बनाना है। मैंने लिखे हैं कराची, हैदराबाद, 2 के मैंने 3 के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं और 3 मैंने पंजाब के नाम मेंशन कर दिए, लेकिन आपने 5-5 लिखने हैं, तो 2 आपने खुद लिखने हैं, 2 आपने खुद यहाँ ऐड करने हैं। फिर आपका पूरा सेट जब बन जाएगा तब आपने दोनों वेन डायग्राम्स बनानी है। अगेन रिवाइज करवा दूँ आपके सामने, आपकी अगर बड़ी वेन डायग्राम बन रही है तो आप फिर एक के नीचे एक बना लें, कोई मसले की बात नहीं है बेटा, दोबारा कह रही हूँ कोई मसले की बात नहीं है। इसके ऊपर मेंशन कर दिएगा 5 सिटीज इन सिंध, 5 सिटीज इन पंजाब, सर्कल में आपने वो नाम लिखने हैं जो हमारे पास सिंध के अंदर आ रहे हैं, कराची, हैदराबाद, सखर, सिर्फ स्टार्टिंग अल्फाबेट लिखने आपने पूरे पूरे लिखने। इसी तरीके से जो रह जाए जैसे कि लाहौर, मुल्तान और मेरे पास क्या रह गया, फैसलाबाद, इसी तरीके से आपने यहाँ सर्कल बनाना है। अब आपने वो 5 सर्कल में नाम लिखने जो पंजाब में आते हैं, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड सो ऑन, जो आप लिखोगे इसी के साथ साथ बाहर वो रह जाएंगे सिंध के अंदर आते हैं, यानी कि जो बाकी रह जाएंगे, यानी कि क्या क्या रह जाएंगे, कराची, हमारे पास हैदराबाद, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा आपको, और हमारे पास क्या है, सखर ठीक है। इसके अलावा आपको जो और लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ क्वेश्चन आपने प्रॉपर लिखना है ब्लैक पॉइंटर से, आपने फिर सेट्स बनाने हैं जितने आपसे रिक्वायर्ड हैं, फिर आपने वेन डायग्राम बनानी है। अगर वेन डायग्राम बड़ी बनाना चाह रहे हैं एक के नीचे एक तो आप बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी भी मत बनाइएगा, और हमारे पास हेडिंग्स लाजमी मेंशन कर दीजिएगा जिस वेन डायग्राम को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। इंडेक्स आपने प्रॉपर मेंटेन करना है। जजाकल्लाह।